हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चल रहा है हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। दो पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। दूसरे पार्ट के अंदर हमने करा था क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40। और आज इसका आया है थर्ड एंड लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम करेंगे बचे हुए 41 टू 60 क्वेश्चन। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते अपने क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, जरा रीड करेंगे। Read the following statement, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. बच्चों को सबसे ज्यादा यही वाले सवाल जो है परेशान कर रहे हैं, assertion के and reasoning के। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चार बार रीड करना है और आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। अब जरा रीड करते हैं। Assertion क्या दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। आपको क्या बोला है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब जाओ तब पैसा मिल जाए, इनको कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट बोला जाता है, भले आप हाई ट्रांजेक्शन क्यों ना करते हो, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन क्यों ना करते हो। तो क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। जब भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करना होता है तो आप बैंक से पेमेंट करते हो, चाहे आप डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे आप चेक से करो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट से करो, चाहे आप ऑनलाइन करो। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी कन्वीनियंट है, यस कन्वीनियंट होते हैं। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉवल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इश्यू ऑफ चेक्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। क्या ये चीज होती है, नहीं ये चीज नहीं होती है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ही होता है कि जब डिमांड करे तब पैसा मिल जाए। तो ये विड्रॉवल नेचर के होते हैं और चेक के इश्यू करके आप पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई, बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम को दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको, जैसे आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, डायग्राम आपको विजिबल है, आपको ऑप्शंस भी विजिबल है। आपको ये बताना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स टू बी फिल्ड इन ब्लैंक्स ए एंड ब्लैंक बी। आपको ये बताना है ब्लैंक ए के अंदर इसके अंदर क्या आएगा और इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, जरा सर्कल को समझते हैं। लो प्रोडक्शन से क्या होगा, जो भी होगा उससे लो सेविंग्स होगी, और जब लो सेविंग्स होगी तो हम क्या करेंगे। तो आपको ये सर्कल बनाना है। देखो, जब आपकी सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कब कम होती है, जब आप कमाते कम हो। आई रिपीट, आपकी सेविंग कब कम होगी, आप पैसे कब कम बचा पाओगे, जब आपकी इनकम ही कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आना चाहिए, लो लेवल ऑफ इनकम। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर। और जब आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब आप पैसे बचाओगे कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे, और इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा। ये चीज क्लियर हो गई। लो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कम करी है। आपकी लो सेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी लो इनकम हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों, बहुत सही। चलिए वापस आते हैं, बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 42 तक क्लियर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, मिस रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर। She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. रमनप्रीत जी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने ये सोचा है कि वो काफी ज्यादा पैसा ट्रेनिंग पे खर्च करेंगी काम करवाने से एक्चुअल में पहले। It exhibits the right step in the direction of human capital formation. और ये human capital form करने के लिए सही कदम उठाया गया। Spot. Which of the following does not directly contributes to the human capital formation by Miss Ramanpreet? मतलब उन्होंने जो on the job training पर जो भी पैसा खर्च कर रही है उससे क्या चीज नहीं होने वाली है डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर ए, on the job training से उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज इंक्रीज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर इक्वेलिटी एंश्योर नहीं होगी। या फिर डी, आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। आपको ये बताना है ऑन द जॉब ट्रेनिंग से डायरेक्टली असर किस पर नहीं पड़ेगा। क्या स्किल्स और एक्सपर्टीज पर डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी पर डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, जेंडर इक्विटी पर डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर जेंडर इक्विटी। आपको काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें क्या लड़का तो क्या लड़की, समझ रहे हो इस चीज को।
आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज इंक्रीज होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन आपको काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें हम लड़का लड़की के बीच में भेदभाव जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनश्योर जेंडर इक्विटी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या, जरा रीड करेंगे। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000 करोड़ रुपीस। आपको बीओटी सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस दे रखा है 20,000 करोड़ रुपए का। द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ अ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स के जस्ट आधे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी डैश करोड़, 30,000, 40,000, 24,000 या फिर 35,000। तो यहां पर हमको चलाना पड़ेगा पेन, दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। हमारा जो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, बीओटी का फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो सरप्लस है वो हमारा कितना है, 20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, एक्सपोर्ट कितने हमारे हैं एक्स, और इंपोर्ट कितने हमारे एक्स बाय टू। सर ये एक्स और एक्स बाय टू कैसे आया, इन्होंने क्या बोला, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट के आधे हैं। तो एक्सपोर्ट अगर हमारा एक्स है तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा हमारा एक्स बाय टू। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 इज इक्वल टू एक्स बाय टू। आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर देना तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 40,000 करोड़ आ जाएगी। और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हमने एक्स एज्यूम किया था, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 40,000 करोड़। क्या ये चीज क्लियर हो गई? आपको बस इतना सॉल्व करना और फिर एक्स की वैल्यू निकालनी, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ड्रॉइंग को करेंगे रफ और आंसर को लाएंगे टिक, बी 40,000 करोड़। क्लियर? ओके, अगला सवाल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो हमारी भारतीय सरकार थी उन्होंने ट्रिकल डाउन अप्रोच फॉलो करी थी, जिससे जो भी पिरामिड में, पिरामिड का मतलब क्या होता है, जो जो हमारी कंट्री की पोजीशन होती है, सबसे ऊपर होते हमारे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट, फिर मंत्री, फिर जनता। तो उन्होंने क्या बोला, पिरामिड के आखिरी तक जो भी हमारा देश का व्यक्ति है वहां तक हमारी जो अप्रोच है वो पहुंचनी चाहिए, जिससे हम गरीबी को हटा सके। तो गवर्नमेंट ने क्या ये फॉलो करी थी, यस गवर्नमेंट ने फॉलो करी थी। अगर आप चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी पढ़ते तो उसके अंदर आपको दिया जाएगा थ्री टायर सिस्टम आपने जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया था। एक था हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, एक था हमारा ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एक था हमारे जो अदर स्कीम्स थी, वो सारी चीजें थी। तो उसके अंदर पहली थी हमारी ट्रिकल डाउन अप्रोच, ग्रोथ वाली थी, उसके अंदर ये पॉइंट दे रखा था। आगे क्या दे रखा है, Empirical data over the years have shown that trickle down theory did not yield the desired result in India. और ये क्या बोल रहे हैं कि trickle down approach follow तो करी थी but मन मुताबिक result नहीं आया, जितनी poverty कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई। क्या ये बात सत्य है? ये बात भी सत्य है। तो मतलब statement number 1 भी correct है, statement number 2 भी correct है। अब जरा options देख लेते हैं। तो option number A, both the statement are true will be the correct आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने क्या ट्रिकल डाउन अप्रोच फॉलो करी थी पॉवर्टी को हटाने के लिए? करी थी। क्या डिजायर्ड रिजल्ट आए थे? नहीं आए थे। दोनों बातें इसमें सही बोली गई। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन, एक और असर्शन रीजनिंग। बच्चों ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में असर्शन एंड रीजनिंग की भरमार है। बिजनेस स्टडीज में बहुत कम है, अकाउंट्स में बहुत कम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको भर भर को देखने को मिलेगा। चलिए रीड करते हैं। असर्शन क्या देखा है, इफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स on the current accounts are equal to each other, it depicts current account surplus. ये बोल रहे हैं कि अगर करंट अकाउंट में जो पैसा आया है और करंट अकाउंट में जो पैसा गया है दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। क्या assertion सही है बच्चों? क्या assertion सही है? नहीं, assertion सही नहीं है। ये करंट अकाउंट सरप्लस नहीं है, करंट अकाउंट बैलेंस है। जब रिसीट और पेमेंट दोनों ही बराबर हो गए तो कौन सा सरप्लस है, कौन सा डेफिसिट और बैलेंस सिचुएशन है? ठीक है, तो असर्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, असर्शन हो गया गलत। अब आपको पता लग गया होगा आपका आंसर डी आने वाला है, क्योंकि असर्शन इज फॉल्स, सिर्फ डी में दे रखा है।
आप तुरंत आंसर लगा सकते हो, आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट रीजनिंग हम पढ़ लेते हैं। अ सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स द नेशन इज अ लेंडर टू द अदर कंट्रीज, एंड अ डेफिशिएट करंट अकाउंट मीन्स द नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो मैंने आपको वही बोला था, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, करंट अकाउंट अगर सरप्लस है तो भारतीयों ने बाहर पैसा दिया है, बाहर पैसा गया है, और डिजायर्ड करंट अकाउंट डेफिशिएट है तो मतलब नेशन ने बाहर से पैसा लिया है। क्या ये आपको चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। बट यहां पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 46 में कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है लेंडर और बोअर, और करंट अकाउंट के अंदर ना तो लेंडिंग आती है ना ही बोरोइंग आती है। अगर आपको पता हो बच्चों, करंट अकाउंट हमारा असेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज नहीं करता, ठीक है, असेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज नहीं करता, बट कैपिटल अकाउंट करता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आते हैं, और एक बात बताओ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कहां से हम लेंडर बन गए, कहां से हम बोरोअर बन गए, कहां से हम लेंडर बन गए, कहां से हम बोरोअर बन गए? करंट अकाउंट में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट में पॉसिबल है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही बताता है एसेट लायबिलिटी स्टेटस। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन रीजनिंग भी फॉल्स है, रीजनिंग भी फॉल्स है, मतलब असर्शन भी गलत दे रखा है और रीजनिंग भी गलत दे रखी है, ठीक है। बट क्योंकि यहां पर ऑप्शन और कुछ है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हमने करेक्ट मान लिया है, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर हम ना तो लेंड करते ना ही बोरो करते, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ओके, बट क्योंकि जबरदस्ती आंसर इन चारों में से एक देना है, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, क्योंकि यहां पर असर्शन गलत है, ठीक है। ओके, चलिए इसको करते हैं हम रफ, और डी हमारा आंसर हो गया करेक्ट। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही बात बतानी, चार में से तीन बात गलत होंगी, एक बात सही होगी, आपको वो बतानी कौन सी बात सही है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाई थी कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते हो, उस हिसाब से उन्होंने टैक्सेस लगाए, उस हिसाब से उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए, उससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पिटिशन था, वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ था। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, और पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया है, मतलब 47 का आंसर ए है। बट देख लेते हैं बी सी डी में कुछ गलती तो नहीं, एक बार वो भी देख लेते हैं। Effective trade policy of production, trade and tariff pursued by colonial government have favorably affected the structure, composition, volume of trade. नहीं भाई, ऊपर बोला गया adversely effect, नीचे कह रहा है favorably effect। नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। एक सेकेंड, पेन कैसे चल गया? तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लिबरल पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ पर्स्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम। क्या ये हुआ था? क्या उन्होंने लिबरल पॉलिसी फॉलो करी थी? नहीं करी थी, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव करी थी। डी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन हैज फेवरेबली इफेक्टेड। नहीं, फेवरेबली इफेक्ट तो कभी हुआ नहीं, हमारा देश बर्बाद कर दिया था उन्होंने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये सारे लॉजिक आपको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? डाउट होता मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, जरा रीड करते हैं। मैच द सिचुएशंस गिवन इन कॉलम वन विद रिस्पेक्टिव इंप्लीकेशन कॉलम टू। मैच द कॉलम करना है, जरा अपना पेन निकाल लेता हूं मैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं। ए का थर्ड का है बच्चों, ए का थर्ड ये रहा, हो गया आंसर खत्म, क्योंकि बाकियों में ए का थर्ड है ही नहीं। सिंपल, बी आंसर हमारा हो गया, पहली बार में हमारा आंसर हो गया, बाकी वह क्रॉस चेक कर लेते हैं। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट,
बताइए बच्चों उसका क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट रिड्यूस इन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इससे क्या होगा इम्बेलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वो तो पहले ऑप्शन से पता लग गया, माइग्रेशन मतलब ब्रेन ड्रेन, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ना, और ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है जब लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, तो माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन आर वन एंड द सेम थिंग, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जरा हम अपनी ड्रॉइंग को करते हैं रफ, टिक लगाते ऑप्शन नंबर बी पे, क्या बच्चा को ये लॉजिक क्लियर है? ओके, कभी कभार तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको पता लग जाएगा इसका आंसर ये, बट क्रॉस चेक करने के लिए आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, क्लियर? ओके, सेक्शन सी बच्चों आपको पता हो हमारे पूरे सैंपल पेपर के अंदर तीन सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है 20 करने, सेक्शन बी में अगेन 24 क्वेश्चन आपको 20 करने, सेक्शन नंबर सी में 12 क्वेश्चन आपको 10 करने, ध्यान रखना। और ये सेक्शन सी बड़ा ही कमाल का है, केस बेस्ड, आपको दो केस दिए जाएंगे उस पर 6-6 क्वेश्चन आएंगे, आपको टोटल 10 करने, टोटल 10 करने 12 में से, वो आपकी मर्जी है आप कौन से करते हो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49-54 आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, रुपीज इन करोड़, आपको एक टेबल दे रखा है बच्चों, ओ माय गॉड, टेबल की वैल्यू कुछ ज्यादा अजीब सी है, इसको जरा थोड़ा सा जूम किया जाए जिससे आपको क्लैरिटी से दिखाई दिया जाए। बच्चों ये प्रिंटिंग जो है वो एज इट इज ऐसी ही आई है, ठीक है बच्चों, ये आपको टेबल दे रखा है, आप टेबल को रीड करने जाओगे तो बच्चों आपको लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम। हम सीधा क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चंस क्या दे रखा है जरा रीड करें, एक सेकेंड रुकना, हाँ क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स हैज डैश करोड्स बिटवीन 2019-50 एंड 2021, ठीक है, आपको यह बताना है रिकवरी ऑफ लोन्स की जो वैल्यू है 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में क्या हो गई है, गिरी है, कम हुई है, गिरी है या कम हुई है, अलग अलग अमाउंट से आपको ये बताना है। तो बच्चों चलिए हम जरा देखते हैं अपने टेबल को, आपको दे रखा है ये 2019-20 और ये दे रखा है आपको 2021, आपको ये बताना है 19-20 के मुकाबले 2021 में क्या हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन आपका ये रहा, जरा रीड करते हैं, रिकवरी ऑफ लोन कितना है 18,316, 19-20 में कितना है 18,316 और 2021 में कितना है 14,967, 14,967, तो ऑब्वियसली बात है 19-20 में ज्यादा था, 2021 में क्या है कम है, बस अब आपको यह बताना है कि कितना कम हुआ है। आपके ऑप्शन है फॉलन बाय 3349 या फॉलन बाय 3439, तो बस आपको माइनस करना है आपका आंसर आ जाएगा, तो जरा माइनस कर लेते हैं 18,316 में से आपको कितने माइनस करने हैं 14,967, जरा बताओ 16 में से कितने गए 7 गए तो बचा 9, यहाँ पर आया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर आया 2, 12 में से 9 गए क्या क्या 3, बचे यहाँ पे 7, 7 में से 4 गए बचे आपके 3, 3349 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल क्लियर, कोई डाउट कोई परेशानी, आपको बस ये बताना था 19-20 के मुकाबले 2021 में रिकवरी ऑफ लोन की वैल्यू बढ़ी है कम हुई है क्या हुई है, तो बस हमने देखा पहले 18,000 थी अब 14,000 कुछ है, डिफरेंस निकाला 3349 है हमारा आंसर आ गया, कोई डाउट कोई परेशानी, इतने सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, बस ये है कि आपकी नजर उसी जगह पर पड़नी चाहिए कि रिकवरी ऑफ लोन के सामने अमाउंट कितना है, आगे पीछे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है कोई डाउट कोई परेशानी। ओके अगला सवाल, द परसेंटेज चेंज इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 1920 एंड 2021 टेकिंग 1920 एज अ बेस वुड बी 1502, 1620, 1768 या फिर 2001, आपको यह बताना है नॉन टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया है 19-20 के मुकाबले। तो चलिए जरा फिर से ऊपर आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, तो जरा नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना दे रखा है आपको 19-20 में दे रखा है 327,157 और 2021 में कितना दे रखा है 385,017, आपको ये दे रखा है, आपको बताना कितना चेंज हुआ है 19-20 के मुकाबले। तो जरा पेन निकाल ले, तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये निकालना है चेंज, तो अभी कितना है 385,017, ठीक है, और पहले कितना था, माइनस करेंगे इसमें से क्या माइनस करेंगे
327157, ठीक है, या आपने चेंज निकाल लिया कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हुआ है। आपको बेस किसको लेना है, 19-20 को लेना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, और बेस कितना है हमारा 327157। आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, ये आप कैलसी पे सॉल्व कर लेना, ऑब्वियसली बात है अभी तो आपके पास कुछ पेपर नहीं होगा, तो वैसे एग्जाम में आपको कैलसी अलाउड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेगा। जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे आंसर पता है, मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली थी आपके टाइम बचाने के लिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी 17.6। तो आपको क्या करना है, पहले चेंज निकालना है, 2021 माइनस 1920 चेंज आ जाएगा, उसको आपको 2019 वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका 1768 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला सवाल बच्चों, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आपको ये बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टैक्स रेवेन्यू नहीं है, वेल्थ टैक्स, स्पेशल असेसमेंट, इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू नहीं है, वेल्थ टैक्स टैक्स रेवेन्यू है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कौन सा नहीं है, जो नहीं है टैक्स, स्पेशल असेसमेंट। क्लियर, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों, इसमें अभी तक कोई है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, एक होते हमारे बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या इसमें बोरोइंग्स दे रखी है, कई भी बोरोइंग्स नहीं दे रखी है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो पहला ही ए ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्लियर हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, ये किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है वैसे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लॉजिकली निकाल तो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो निकल जाएगी, बट लॉजिकली फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों, अभी तक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, यहां पर बच्चे परसेंटेज निकालने में गलती कर जाएंगे, उनको परसेंटेज चेंज का मतलब ही नहीं पता होता, तो बस ये ध्यान रखना। परसेंटेज का फॉर्मूला बता दूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं, फ्यूचर माइनस पास्ट अपॉन पास्ट इनटू 100। फ्यूचर मतलब बाद वाली डिजिट माइनस पुरानी वाली डिजिट, जो भी सम है डिवाइड बाय पुराने वाला इनटू 100। बस इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, 52 हो गया, 53। अब बच्चों बात करेंगे 53 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग बट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग। आपको टेबल में देख के बताना बच्चों, टेबल का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट इंक्रीज हो रही है लेकिन बोरोइंग डिक्रीज हो रही है, जरा देखें जरा क्या देख रहा है। आपको ये बताना है, रेवेन्यू रिसीट्स पहले कितनी थी, 16,84,059, फिर कितनी हो गई, 20,29,26, क्या ये इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज हुई है। कैपिटल रिसीट्स 1,00,000 से कितनी हो गई, 1,02,000, क्या ये इंक्रीज हुई है, ये भी इंक्रीज हुई है। मतलब रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट दोनों ही इंक्रीज हुई है। क्या बोरोइंग्स कम हुई है, 933 से 796, हाँ ये कम हुई है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर जो वन है वो एकदम सही बोला गया है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन है वो एकदम सही बोला गया, मैं फिर से दिखा देता हूँ। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट आर इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हुई। बोरिंग रिड्यूस हो रही थी, हाँ जी बोरिंग रिड्यूस हो रही थी। अब जरा स्टेटमेंट नंबर टू देख लेते हैं। ग्रांट्स एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट हैज डिक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2021। आपको ये बताना है, कैपिटल एसेट की जो ग्रांट मिली थी वो कम हुई है। जरा देखो देखो कहां पर है, ये रही। ग्रांट एड्स इन क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट्स, आपको ये बताना है क्या ये कम हुई है। पहले कितनी थी, 1,85,000, फिर कितनी हो गई है, 2,06,500, ये तो इंक्रीज हो गई है। पहले थी 1,85,000, अब कितनी, 2,06,000। तो ये बात सही है कि गलत है, ये बात गलत दे रखी, ये इंक्रीज हो रहा है और नीचे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ये गलत है, डिक्रीज हो रही है बट वो इंक्रीज हो रही है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर टू इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तेज तेज बोल रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को 0.75 की स्पीड पर चलाना, आराम से धीरे धीरे सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 इस केस बेस का लास्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2021 वुड बी, आपको यह बताना है प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा टेबल में से, और आपको कितने अमाउंट दे रखे हैं, 8813432158196133609219, बड़ी अजीब अजीब सी अमाउंट दे रखी है, तो आपको लिटरली कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। तो जरा बच्चों अभी जरा आपको पेन निकालना पड़ेगा, जरा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बच्चों बताओ। प्राइमरी डेफिसिट, एक सेकेंड में यहां से हटा के कहीं और लिखता हूं, एक मिनट। हाँ तो बच्चों प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ना तो हमारे पास अभी फिस्कल डेफिसिट है, इंटरेस्ट पेमेंट हमको यहां पर दे रखी है 11th नंबर पे, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है। तो पहले बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा। और बच्चों फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है जरा हम इसको यहां पर लिख देते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। और बच्चों ये जो चीज आएगी, ये जो हमारा फॉर्मूला आएगा, इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, इंटरेस्ट पेमेंट और माइनस कर देना है, ठीक है। ये भी जो भी चीज आएगी उसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है, उसके बाद आप क्या करोगे उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा फिस्कल डेफिसिट निकाल लेते हैं बच्चों, जरा फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, ये है टोटल एक्सपेंडिचर 304230, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, आई रिपीट टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसीट भी कितनी है, इतनी ही है, हाँ है ना। अब बच्चों यो ये सारी चीजें जो बच्चा करेगा ना, जो अभी मैं कर रहा हूं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाएगा। अगर आप इस कैलकुलेशन से कर रहे हो ना, तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। पूछो क्यों, अभी जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप बेवकूफ कहलाओगे। एक्चुअल में आपको फिस्कल डेफिसिट एज इट इज दे रखा है, वो कितना है 796337, एज इट इज आपको फिस्कल डेफिसिट दे रखा है। तो बस आपको क्या करना है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगाना है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो 796337 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, ये 708203। तो बस ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 1, और 16 में से कितना गया 8, और ये बचा 8, 88134 विल बी द करेक्ट आंसर। सर कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया, सिंपल सी चीज बता रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, दोनों से निकाल सकते हो। हमने शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, बट क्वेश्चन में बोला गया प्राइमरी डेफिसिट निकालो। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा, बस माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। क्यों इतना दिमाग खराब करना है इसके ऊपर, तो बस हो गया क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं जरा, 88134 किसमें दे रखा है, 88134 हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके बच्चों ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों अभी तक हमारा काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमने 49 से 54 कर लिए हैं। अब आते हैं हम इस
सैंपल पेपर के लास्ट पार्ट पे जिसके हमको अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं, 55 से 60 करने हैं, उसके लिए पर हमको पहले केस पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों पहले केस को रीड करते हैं। केस क्या दे रखा है, इंडियाज पोस्ट 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंट्रेल थ्री इंपॉर्टेंट ब्रेक्स विद द पास्ट। जो भी इंडिया की पोस्ट 1990 स्ट्रेटेजी थी हमारी, जो भी हमारे रिफॉर्म्स थे, उसके बारे में बात हो रही है। टू डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क एंड परमिट्स द डोमिनेटेड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ओके, फिर से रीड करते हैं। टू डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। टू रिडिफाइन द रोल ऑफ द स्टेट एज अ फैसिलिटेटर of the economic transaction as a neutral regulator rather than primarily provider of goods and services. To move away from the regime of import substitution and integrate fully with the global trading system. तो आपको ये सारी चीजें बोली गई है इसके अंदर, ये सारी चीजें हुई थी। सबसे पहले हमने कंट्रोल हटा दिया था, जो भी हमारा रोल था गवर्नमेंट का वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का बन गया था, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने हटा के पूरा ग्लोबल सिस्टम के संग काम करना चालू कर दिया था। ये सारी चीजें हो रही है। आगे क्या दे रखा है, इन 1991 रिफॉर्म्स अनलीस्ड द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड गेव अनटोल्ड चॉइस टू द कंज्यूमर एंड चेंज द फेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जी को बढ़ावा दे दिया था, बाहर निकाल दिया था जो अंदर दबी हुई थी, और लोगों को चॉइस जो थी वो दे दी थी कि आप कुछ भी कर सकते हो, और जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बदल गई थी। ये सारी चीजें हुई थी। द रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूट अ पैराडाइम शिफ्ट एंड हैज डिफाइंड द ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ऑफ द थ्री डिकेड्स। और जो भी रिफॉर्म्स आए थे उसका में बदलाव हो गया था, सोच में बदलाव हो गया था। बच्चों यहाँ पे जो है ना पैराडाइम शिफ्ट, इसका मतलब होता है सोच में बदलाव आना। तो जो भी हमारे रिफॉर्म्स आए थे उसमें सोच में बदलाव आ गया था, और जो हमारी पॉलिसी मेकिंग थी वो काफी बढ़ गई थी। Liberalization was adopted as a guiding principle of governance. All governments since 1991 have broadly stuck to that path. Okay. Today we don't need paradigm shift. अब हमको paradigm shift की जरूरत नहीं है. We need to look at individual sector and see which one of these needs reforms and create a competitive environment and improve efficiency. अब हमको सोच में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बट हमको देखना है हर एक इंडिविजुअल सेक्टर को देखना है, और देखना है किसको जरूरत है, और जिसको जरूरत है उसमें हम बदलाव करेंगे। द पावर सेक्टर, द फाइनेंशियल सिस्टम, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इवन एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड रिफॉर्म्स। तो इन्होंने पावर सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बोला कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। केस रीड कर रहे हैं हम, ठीक है। टूडे रिफॉर्म्स ऑल्सो रिक्वायर्स मच मोर डिस्कशन एंड कंसेंस बिल्डिंग। अब जो रिफॉर्म्स में डिस्कशन और जो भी सहमति है वो बनने की कोशिश है। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क इन टैंडम विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंपैक्टेड बाय द रिफॉर्म डिसीजन। टाइमिंग एंड सीक्वेंसेस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन न्यू रिफॉर्म्स एजेंडा। आपको टाइमिंग और सीक्वेंसेस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये केस आपको कुछ दे रखा है, बस अब आपको इस केस के बेसिस पर जो अगले 6 क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड करते, क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट डैश वॉज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट सिंस 1991। पैराग्राफ में बड़ा बड़ा दे रखा है लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 का जो पहला आंसर है वो हमारा लिबरलाइजेशन है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज लाइन उन्होंने उतार कर दे दी है। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर भाग रहे हैं, बट बच्चों मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपको सिंपल से आंसर बता रहा हूं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पूरे पैराग्राफ में उन्होंने कहानी बताई, ये हुआ ऐसे हुआ, पहले हमको चेंज की जरूरत थी, अब हमको चेंज की जरूरत नहीं है, टाइमिंग सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमको इंडिविजुअल सेक्टर्स को देखना चाहिए, और हमने लिबरलाइजेशन फॉलो किया था। बस इन्होंने कहानी पैराग्राफ में ये दे रखी थी। उसके बाद हमने पहला क्वेश्चन देखा कि उन्होंने क्या लगाया, मॉडर्नाइजेशन लगाया, लिबरलाइजेशन लगाया, प्राइवेटाइजेशन लगाया, ग्लोबलाइजेशन लगाया। तो एज इट इज लाइन में लिबरलाइजेशन था, तो वही मैंने लिबरलाइजेशन यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर, पक्का, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में, बता दो अभी बता दो। आगे बढ़े, ओके। तो चलिए बच्चों रीड करते क्वेश्चन नंबर 56 रीड करेंगे कि क्या दे रखा है। स्टेटमेंट वन, 1991 वाज अ लैंडमार्क मोमेंट इन इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री
एज दैट चेंज द नेचर ऑफ द इकोनॉमी इन द फंडामेंटल वेज। 1991 बहुत लैंडमार्क है हमारे लिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इस दिन हमारी इकोनॉमी का नेचर ही बदल गया था फंडामेंटली। क्या ये बात सही बोली गई है, हाँ या ना में बताइए फटाफट से, क्या ये बात सही बोली गई है 1991 को हम याद रखते हैं, बहुत भयंकर चेंज हुआ था? आंसर इज यस, बहुत भयंकर चेंज हुआ था क्योंकि रिफॉर्म्स आए थे। आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर टू में, इंडिया इकोनॉमिक स्टेब्लिशमेंट लॉन्च अ मल्टी प्रोग्राम रिफॉर्म्स एजेंडा टू रिपेयर इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस शीट एंड इग्नाइट ग्रोथ। क्योंकि जब 1991 में जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हमारे एजेंडा है वो चालू कर दिए थे, जिससे हमारी जो भी मैक्रो बैलेंस शीट थी, जो भी हमारी इकोनॉमी मैक्रो बैलेंस शीट थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बैलेंस शीट का मतलब जो भी हमारा बैलेंस ऑफ एक्सचेंज था, जो कि सिर्फ 2 हफ्तों का रह गया था, उसको रिपेयर करने की कोशिश करी गई थी, जो स्ट्रक्चरल और जो स्टेबिलाईजेशन मेजर आए थे, और प्लस इग्नाइट ग्रोथ, ग्रोथ में आग लगाने की, आग मतलब इन द सेंस मतलब भड़काने की, उज्वाला मतलब कहते ना कि जोश जगाने की कोशिश थी, वो करने की कोशिश की थी। तो बताइए क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? यस, ये दोनों बातें सत्य हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दे रखा है, वही आपको असर्शन है, रीजन दे रखा है, आपको बताना होगा कि क्या सही है कि क्या गलत है। जरा रीड करते हैं, असर्शन ए, इंडिया प्री 1919 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी डिसमेंटल्स द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। 1990 से पहले की जो स्ट्रेटेजी, उसमें डिसमेंटल किया गया था नेटवर्क कंट्रोल और डोमिनेशन को, या 1990 के बाद किया गया था? जरा मैं आपको केस एक बार फिर से दिखा देता हूं, पोस्ट 1990 में डिसमेंटल हुआ था, और यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्री 1990। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, असर्शन जो की है वो गलत दे रखा है। क्लियर? पोस्ट 1990 था, बट ये प्री 1990 दे रखा है। ठीक है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करेंगे, बच्चे बोलेंगे 1990 में हुआ था, हाँ हुआ था, लाइन दे रखी लगा दो, असर्शन टू है, बट बच्चों यहाँ पे प्री 1990 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको पोस्ट 1990 दे रखा है। तो बारीकियों का ध्यान आपको रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको पहले बताया था असर्शन रीजनिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना, 4 बार रीड करना आपका आंसर आ जाएगा। रीजन पढ़ते हैं, द 1991 रिफॉर्म्स अनलीज द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्राइज एंड गिव अनटोल्ड चॉइस टू कंज्यूमर एंड चेंज द फेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये बात एकदम सही बोली गई है, पैराग्राफ से उठा के एज इट इज यहाँ पर लिख दी है। तो असर्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्री दे रखा है, बट रीजनिंग एकदम सही है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। क्लियर? ओके, आगे रीड करते हैं बच्चों क्या दे रखा है, इन द लाइट of the given text and common knowledge, identify the incorrect statement. In the light of given text and common knowledge मतलब जो अभी चल रही है, common knowledge जो आपकी है, आपका जो GK है, आपका जो common sense है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, आपको ये बताना है कौन सा statement है जो कि incorrect है। Option number 1, A severe balance of payment problems triggered acute crisis in 1991 में balance of payment की बहुत भयंकर problem आई थी। ये बात सही है कि गलत है? ये बात करेक्ट है। ठीक है, इन 1991 द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्च्ड अ मल्टी प्रॉन रिफॉर्म एजेंडा टू रिपेयर द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन। के 1991 में ऐसा हुआ था, पॉलिटिकल जो हमारे नेता थे उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिससे हम अपनी सिचुएशन को रिपेयर कर सकें। क्या ये बात सही है कि गलत है? ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वॉज, आगे कुछ नहीं दे रखा, गिवन द रोल ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन पोस्ट 1991 द स्टेट वॉज गिवन द रोल ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, अथॉरिटी। पोस्ट 1991 स्टेट को प्राइमरी रेगुलेटर का रोल दिया गया था या फिर फैसिलिटेटर का रोल दिया गया था? रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, याद आ रहा है, और केस में भी दे रखा है फैसिलिटेटर। किसने अगर केस रीड करा हो, नहीं रीड किया, चलो एक बार दिखा ही देते हैं आपको, एक सेकंड रुकना। क्या दे रखा है बच्चों, जरा रीड करो, कहां गया, कहां गया, कहां गया,
एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, टू रिडिफाइन द रोल ऑफ स्टेट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉट अ रेगुलेटर। समझे बच्चे? क्लियर हुआ? ओके, एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है पेपर? वापस आ जा बच्चे। ठीक, हाँ अब ठीक है। नहीं नहीं अभी भी गलत है। हाँ ठीक है, तो स्टेट वॉज द फैसिलिटेटर नॉट द प्राइमरी रेगुलेटर, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट पैंडेमिक इंडिविजुअल सेक्टर्स शुड बी लुक्ड क्लोजली, सेक्टर्स दैट नीड रिफॉर्म शुड बी आइडेंटिफाई एंड करेक्टिव एक्शन टू बी टेक प्लेस। यहाँ पे बच्चों पोस्ट पैंडेमिक बोल लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे पोस्ट रिफॉर्म्स आना था। ठीक है, जो ऊपर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसमें देख लेना। तो ये बात भी एकदम इन्होंने सही बोली है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं जरा पेन पेंसिल के ड्रॉइंग को हटा दूं यहां से पहले, और अपने ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा। क्या टाइमिंग और सीक्वेंसिंग क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है? केस रीड करते हैं। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, तो बस इन्होंने दे रखा है। तो बच्चों भैया यहां पर बात सही बोली गई है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, पोस्ट पेंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर्ड अ पैराडाइम शिफ्ट। क्या जरूरत है? टुडे वी डोंट नीड अ पैराडाइम शिफ्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, आप आपको भावुकता नहीं दिखानी है कि नहीं सर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बच्चों आपको केस में से दिख के बताना है, और केस में बोला गया नहीं है तो आपको भी नहीं बोलना है। ठीक है, ये मत बोलना सर रिफॉर्म्स आया है तो रिफॉर्म जो पोस्ट पैंडेमिक के बाद रिफॉर्म से बदलाव आना चाहिए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है। बच्चों मुझे भी पता है रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन केस में दे रखा है नहीं, तो आपको भी आंसर क्या देना है? नहीं। तो स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट वन है जो वो सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्लियर? पक्का? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। क्या दे रखा है बच्चों, इधर रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। 1991 रिफॉर्म्स रिलीज द वाइटलिटीज ऑफ इंडियन बिजनेस पर्सन। द रिफॉर्म्स एजेंडा एस्टेब्लिश अ पैराडाइम शिफ्ट एंड डिफाइन द ब्रॉड आइडलाइंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर द ईयर्स टू कम। 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे वो इंडियन बिजनेस पर्सन की वाइलिटीज को इंक्रीज किया था, रिलीज किया था, यस किया था। हमारे जो इंडियन पर्सन थे वो भर भर के बाहर आ गए थे, उन्होंने बिजनेस करना चालू कर दिया था थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जो भी रिफॉर्म्स आए थे क्या उससे हमारा शिफ्ट हुआ था? सोच बदली थी, बिल्कुल सोच बदली थी। अब प्राइवेट लोग और ज्यादा काम कर सकते थे, जो पहले सिर्फ इंडिया में काम करते थे वो बहुत ज्यादा बाहर काम कर सकते थे, और जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है उसको क्या बड़ा कर दिया था, सोच को बड़ा कर दिया था, तो वो भी बड़ा कर दिया था। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। आपको बस अब ये बताना है कि रीजनिंग सही है कि गलत है। तो ऑब्वियस ये बात, इसकी रीजनिंग भी सही होगी। ये सब कुछ 1991 के बारे में बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्लियर? ओके बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा सेशन ऑन सीबीएसई सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन। इसके अंदर हमने 60 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तीन पार्ट्स के अंदर। हमारे अकाउंट्स का, बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का तीनों के सैंपल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सैंपल पेपर का प्लेलिस्ट का फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टर्म वन एग्जामिनेशन के माइनर सब्जेक्ट के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप प्रिपेयर अच्छे से करिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, टर्म वन में अच्छे परसेंट लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।